गुड आफ्टरनून क्लास 11, अगेन वेलकम टू द क्लास. सो स्टूडेंट्स, इन द लास्ट क्लास वी हैव कम्प्लीटेड द प्लांट टिश्यूज. ओके, दिस प्लांट टिश्यू वी हैव कम्प्लीटेड अप टू द टॉपिक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम. ये कम्प्लीट हो चुका था. एट अ ग्लैंस यू हैव टू सी, क्योंकि वीडियो लास्ट में मुझे ऐसा समझ में नहीं आ रहा था कि लास्ट में वीडियो अपने आप रुक कैसे गया. सो दिस इज अ शॉर्ट, यू कैन से शॉर्ट फ्लो चार्ट ऑफ द प्लांट टिश्यूज. प्लांट टिश्यू हैज़ बिन डिवाइडेड इंटू टू टाइप, मर्समैटिक एंड परमानेंट. परमानेंट टिश्यू अगेन डिवाइडेड इंटू थ्री डिफरेंट टाइप्स एंड परमानेंट टू. सो दिस इज अ फ्लो चार्ट ऑफ प्लांट टिश्यू. होप यू विल ऑल अंडरस्टैंड द टॉपिक क्लियरली. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकेंड टॉपिक ऑफ द चैप्टर, द टिश्यू सिस्टम. प्लांट टिश्यूज क्या होते हैं वो हम लोग डिस्कस कर लिया, अब उनका सिस्टम क्या होता है, द वॉट आर द प्लांट टिश्यू सिस्टम्स इज देयर इन द प्लांट. सो लेट डिस्कस अबाउट इट. दिस चैप्टर इज चैप्टर नंबर 6, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. सो द टिश्यू सिस्टम, दिस टिश्यू सिस्टम्स इज आर ऑफ थ्री टाइप्स, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, वस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम. दिस टिश्यू सिस्टम हैज़ बिन डिवाइडेड इंटू कैटेगराइज इंटू थ्री डिफरेंट टाइप्स, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम एंड थर्ड वस्कुलर कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम. ठीक है, लेट डिस्कस दिस वन बाय वन डिस्कस करें. एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, फर्स्ट वन. सो दिस इज इन द पिक्चर यू हैव सीन द जाइलम एंड द फ्लोएम, वस्कुलर टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू एंड डर्मल टिश्यू. एपिडर्मिस, एपिडर्मिस मतलब सबसे ऊपर का जो लेयर होता है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं. ओके, डर्मल टिश्यू सिस्टम गार्ड सेल्स, सनलाइट, क्यूटिसाइल, ट्राइकोम. जो स्टेम में अगर हम लोग उसको कट करेंगे तो हमको ये सारी चीज़ें दिखाई देंगे. इफ़ यू कट द स्टेम्स राउंड शेप में, उसका जो अपर लेयर है हमको ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं. ओके, सो इट फॉर्म्स द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी. दिस एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम इज फाउंड द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी. इट कंप्राइजेज एपिडर्मल सेल्स, स्टमाटा एंड एपिडर्मल अपेंडिजेस, ट्राइकोम्स एंड हेयर्स. क्या क्या रहता है उसमें? एपिडर्मल सेल्स, ओके, स्टमाटा, एपिडर्मल अपेंडिजेस लाइक जैसे कि ट्राइकोम्स एज यू सी इन द पिक्चर एंड हेयर्स. सो दिस इज एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. नाउ एपिडर्मिस, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द एपिडर्मिस. इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी. ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी दिस इज एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर. इट इज सिंगल लेयर्ड, ओके, मेड अप ऑफ एलोंगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, एलोंगेट होंगे कॉम्पैक्टली अरेंज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स विद स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म लीनिंग इन द सेल वॉल्स. सेल वॉल में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है एज वी ऑल नो दैट, विच आर लार्ज वैक्यूल्स. And the outside of this epidermis is covered by a waxy thick layer which is called as cuticle. As you see in the picture, waxy covering hai which is called as cuticle, which prevent the loss of water. ठीक है, waxy covering है, चिपचिपा होगा, waxy होगा तो loss of water से भी बचेगा through transpiration process. Cuticle is absent in root. This cuticle is absent in root. Root system में ये cuticle absent होता है. Okay? Now stomata. Second part is stomata. So what is stomata? It helps in the exchange of gases in plants which is present in the leaf. This is stomata. So leaves में तुमको पता है कि stomata कहाँ पर present होता है. As you see in the picture, you can see the guard cells, stoma, vascular, a particular stomata तुमको picture में अच्छे से दिखाई दे रहा है. So they are present in the epidermis of leaf. Epidermis means outer layer. They regulate the transpiration and exchange of gases as I told you. They are bean shaped guard cells. They have two bean shaped गार्ड सेल्स. जैसे मैंने तुम लोग को बताया था, दे हैव टू बीन शेप्ड गार्ड सेल्स इन ग्रासेस. द गार्ड सेल्स आर डम्बल शेप्ड एज यू सीन द पिक्चर. ग्रासेस में डम्बल शेप के होते हैं. व्हेन स्टोमेटा विल ओपन इट विल लुक लाइक दिस एंड क्लोज में कैसा दिखाई देता है, डम्बल शेप्ड गार्ड सेल्स यू विल सी. और इमेजिन करो स्टोमेटा का पिक्चर, तो बीन शेप्ड के होते हैं गार्ड सेल्स विच हेल्प्स इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. Now these are the bean shaped guard cells and bundle shaped dumbbell shaped guard cells. So the outer layer walls of guard cells away from the stomatal pores are thin and the inner walls towards the stomatal pores are thick. ठीक है, जो outer layer होगा, outer walls होंगे वो thin होंगे और जो inner walls में जो guard cells होंगे stomatal pores वो बहुत ज़्यादा thick होंगे. The guard cells
possess chloroplast and regulate the opening and closing of stomata. As I told you that these guard cells helps in the opening and closing of stomata. Sometimes some epidermal cells near the guard cells become specialized in shape and size. They are called as subsidiary cells. Okay, stomatal aperture guard cells and the surrounding subsidiary cells are together called stomatal pores. Jitne bhi parts honge guard cells ke paas present honge, they are called a stomatal apparatus, because these all helps in the exchange of gases. Stomata open and stomata close. See in the picture how it looks like. When the stomata will open, these guard cells will open, and when the guard cells were closed. Now the epidermal appendages, ठीक है, like trichoma and hairs, we will discuss this one is in this. So root hairs, unicellular elongation of the epidermal cells, they help to absorb water and minerals from the soils. As you know, these root hairs helps in the absorption of water and minerals from the soils. This is the only function of the root hairs. Second, trichomes, epidermal hairs on the stems, they are usually multicellular, branched or unbranched, and are soft and stiff. They may be secretory. They prevent water loss due to transpiration. These trichomes are the epidermal hairs. मतलब जो ऊपर में जो hairs present होंगे first layer में, these are the trichomes which helps in prevent the water loss due to transpiration. Main function उनका यही होता है. Okay? So this is epidermal tissue system. Now the ground tissue system. Second one, we will discuss about the ground tissue system. All tissues except epidermis and vascular bundle constitute the ground tissues. Epidermis और vascular bundle में ये ground tissues present नहीं होते हैं. It consists of simple tissues like parenchyma, colenchyma and sclerenchyma. As we will discuss this plant tissue, this ground tissue is consist of simple tissues like parenchyma, colenchyma and sclerenchyma. Parenchyma cells are present in cortex, pericycle, pith and medullary rays, in the primary stems and roots. In the primary stems and roots, in cuticle, in cortex, pericycle, pith and medullary rays, this parenchyma cells were present. ठीक है, जो parenchyma cells दिखाई दे रहे हैं पिक्चर में, they were present in this cortex, pith, pericycle, pith and medullary rays, in the primary stems and roots. In leaves, the ground tissue consists of thin walled chloroplast containing cell which is called as mesophylls. ठीक है, now थर्ड वन इज वस्कुलर टिश्यू सिस्टम. दिस कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज लाइक जाइलम एंड फ्लोएम. दिस वस्कुलर बंडल्स, यू कैन से वस्कुलर टिश्यू सिस्टम हैव जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर कंस्टिट्यूट विच इज कॉल्ड एज वस्कुलर बंडल, जैसे अभी मैंने बताया. बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ कैम्बियम, वस्कुलर बंडल्स आर ऑफ टू टाइप. अब कैम्बियम के प्रेजेंस है, जैसे कि कैम्बियम है, उसकी बेस्ड, उसके प्रेजेंस और एब्सेंस में हम लोग वस्कुलर बंडल को दो टाइप में डिवाइड करते हैं, ओपन टाइप एंड closed type. This vascular bundle has been divided into two different types, open type and closed type. So first we will discuss about the open type vascular bundle. Open type vascular bundle. In this, cambium is present between phloem and xylem. So vascular bundles can form secondary xylem and phloem tissue. So isme kya ho raha hai, cambium kahan pe present hai, in between the xylem and phloem. Jo vascular bundle can be from secondary xylem and phloem tissue. Example, it this type of vascular bundles you have seen in diclotodon's stem. ठीक है, और closed type में vascular bundle is this cambium is absent. So hence they do not form secondary tissues. Example, monoclotodons. Whether monoclotodon stems, roots were there, this cambium is absent, but in open vascular bundle ये cambium क्या होगा, xylem और phloem के बीच में present होगा, especially in diclotodon stems. ओके, एज यू सी, ओपन वस्कुलर बंडल कैम्बियम इज प्रेजेंट और क्लोज वस्कुलर बंडल में कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है. ओके, नाउ बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, वस्कुलर बंडल्स आर ऑफ टू टाइप. एज यू सी द जाइलम एंड फ्लोएम हाउ दे आर अरेंज, ड्यू टू देयर अरेंजमेंट दिस वस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वस्कुलर बंडल हैज बीन डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स, रेडिकल टाइप और कंजॉइंट टाइप. अब रेडिकल और कंजॉइंट क्या होता है, देखो कंजॉइंट सिस्टम को तुम लोग देख सकते हो कैसा होता है, रेडिकल कैसा अरेंजमेंट है. जाइलम एंड फ्लोएम्स आर अरेंज इन अल्टरनेट मैनर और डिफरेंट रेडियस. डिफरेंट रेडियाई मीन्स डिफरेंट रेडियस पे और अल्टरनेट मैनर में अरेंज होंगे रेडिकल टाइप में.
this type of vascular tissues, vascular bundle you have seen in the roots. Okay, only the roots in monoclotidans or diclotidans. And conjoint mein kaise present honga? Conjoint closed and conjoint open mein. Cambium present hai, it means open, closed hai, matlab ऊपर में क्या होगा फ्लोएम और नीचे में जाइलम. जाइलम एंड फ्लोएम आर जॉइंटली सिचुएटेड एट द सेम रेडियस ऑफ द वस्कुलर बंडल. दे आर जॉइंटली सिचुएटेड विद द सेम रेडियस सीन इन स्टेम्स एंड लीफ. दिस टाइप ऑफ कंजॉइंट टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल यू हैव सीन इन द लीव्स एंड द स्टेम्स एंड रेडियल इन द रूट्स. सो कंजॉइंट वस्कुलर बंडल्स यूजली हैव फ्लोएम लोकेटेड ओनली ऑन द आउटर साइड ऑफ जाइलम. जाइलम के आउटर साइड पर ये लोकेटेड होता है कंजॉइंट टाइप में. ठीक है, इजी है, टफ नहीं है, बस थोड़ा बहुत समझना है कि किसमें प्रेजेंट होता है किसमें नहीं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट प्लांट्स. अब इस एनाटॉमी में हम लोग को डाइकॉट मोनोकॉट प्लांट्स के स्टेम्स और रूट्स का सारा लेटरल सिस्टम सारा चीज पढ़ना है. ठीक है, कंफ्यूजिंग नहीं है, बस समझना पड़ेगा कुछ कुछ चीज़ों को अच्छे से. कंफ्यूज नहीं होना, समझना है कि क्या है. ठीक है, और डायग्राम, स्पेशली डायग्राम को लेट्स स्टार्ट. सो एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट प्लांट्स. डाइक्लोटिडॉन्स रूट. फर्स्ट वी विल डिस्कस द डाइक्लोटिडॉन्स डाइकॉट रूट, देन मोनोकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम, देन मोनोकॉट स्टेम. ठीक है, दिस आर द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सनफ्लावर रूट. शो द फ्लोइंग टिश्यू फॉलोइंग टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन. ये कितना ट्रांसवर्स सेक्शन, सारा ट्रांसवर्स सेक्शन और लेटरल सेक्शन ही पढ़ना है हम लोगों को. ठीक है, सो दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द रूट ऑफ द सनफ्लावर. सो वॉट टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन वी विल सी. एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस एंड स्टील. एपिडर्मिस मीन्स आउटर लेयर. ठीक है, कॉर्टेक्स मीन्स सबसे ऊपर, सेकेंड जस्ट बिलो द एपिडर्मिस. एंडोडर्मिस मीन्स अंदर वाला लेयर और स्टील मीन्स सबसे अंदर का लेयर. ठीक है, सो एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, स्टील. लेट्स जस्ट स्टार्ट. एपिडर्मिस द आउटर मोस्ट लेयर, इट इज कॉल्ड द आउटर मोस्ट लेयर. मैनी एपिबिला सेल्स प्रोट्यूड एज यूनिसेलुलर रूट हेयर्स. यहाँ से रूट हेयर्स दिखाई देते हैं. कॉर्टेक्स, इट इज कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल्स. एज वी ऑल नो दैट इन कॉर्टेक्स द पैरेन्काइमेटस सेल्स वेयर प्रेजेंट विद इंटरसेलुलर स्पेस एज यू सी इन द पिक्चर. दिस इज द टीएस ऑफ डाइकॉट रूट प्राइमरी. टी एस, एल एस, मोनोकॉट, डाइकॉट स्टेम, डाइक मोनोकॉट, डाइकॉट रूट्स, ये सब याद करना पड़ेगा. ठीक है, नाउ एंडोडर्मिस इट इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स, कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप्ड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस. द टेंजेंटियल और रेडियल वॉल्स ऑफ द एंडोडर्मल सेल्स हैव डिपोजिशन ऑफ सबराइन कैस्पेरिन स्ट्रिप्स इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरिन स्ट्रिप्स. ठीक है, डायग्राम बस अच्छे से याद कर लेना और ये जो इसका स्टेप्स है इसको अच्छे से लिख भी सकते हो. आउटर लेयर एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, स्टील. स्टील के अंदर जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होता है. ये एक कॉमन सा चीज़ है याद रखने के लिए. ठीक है, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम वेयर प्रेजेंट, पेरिसाइकल, पिथ, फ्लोएम, ये सारी चीज़ें अच्छे से हम लोग एक चीज़ का अगर याद कर लोगे तो सारी चीज़ों को लिखने में बन जाएगा. एक ट्रिक होता है इसको पढ़ने के लिए. ठीक है, लाइव क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में. नाउ स्टिल पेरिसाइकल पिथ कंजक्टिव टिश्यूज वस्कुलर बंडल्स दे और कम्स अंडर द स्टिल. यानी कि जाइलम फ्लोएम पिथ पेरिसाइकल कंजक्टिव टिश्यूज सारे इस स्टिली के अंदर आ जाते हैं. पेरिसाइलम, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, पिथ एंड फ्लोएम सब इसके अंदर आ गया. ओके, पेरिसाइकल फ्यू लेयर्स ऑफ थिक वॉल्ड पैरेन्काइमेटिक सेल्स नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस. पिथ इंटरमोस्ट रीजन, इट इज अ स्मॉल और इनकन्सपियस. कंजक्टिव टिश्यूज द पैरेन्काइमेटस सेल्स विच हैव बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम फ्लोएम के बीच में जो प्रेजेंट होते हैं उसको कंजक्टिव टिश्यूज बोलते हैं. ठीक है, अभी जब हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े थे वस्कुलर बंडल टू फॉर जाइलम्स एंड फ्लोएम पैचेस इज वेयर सीन इन द कैम्बियम रिंग. जो कैम्बियम रिंग है उसके ऊपर. नाउ द मोनोकॉट्स रूट. अभी हम लोग डाइकॉट रूट के बारे में पढ़ लिया, मोनोकॉट रूट के बारे में पढ़ रहे हैं. सेम एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वस्कुलर बंडल एंड पिथ वेयर प्रेजेंट. पिथ इज लार्ज एंड वेल डेवलप्ड, नो एनी सेकेंडरी ग्रोथ वेयर सीड. सेम एज इट इज, ए हल्का सा डिफरेंस बिटवीन है, देखो है ना. फोर
अलग अलग साइकल्स, रेड वाले प्रेजेंट है अल्टरनेट मैनर में, और इसमें देखो कैसे प्रेजेंट है. सेम स्ट्रक्चर यू हैव सीन इन डाइकॉट एंड मोनोकॉट, जस्ट लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन इन द इनर स्ट्रक्चर. पिथ इज लार्ज एंड वेल डेवलप्ड. ओके, नाउ डाइकॉट्स स्टेम. ठीक है, अभी तो हम लोग टीएस पढ़ रहे हैं सबका, टीएस रूट्स पढ़ लिए, अब स्टेम पढ़ेंगे. टीएस ऑफ डाइकॉट स्टेम. एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स हैज बीन डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप, हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर एंड एंडोडर्मिस. ठीक है, एपिडर्मिस आउटर लेयर, कॉर्टेक्स इनर लेयर, देन हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर्स एंड एंडोडर्मिस. स्टिली कंसिस्ट ऑफ पेरिसाइकल, वस्कुलर बंडल्स, मेडुलरी रेज एंड पिथ. ठीक है, तो चलो डिस्कस करते हैं जल्दी जल्दी इसके बारे में. एपिडर्मिस, द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर कवर्ड विथ अ थिन लेयर ऑफ क्यूटिसाइल, बियर ट्राइकोम्स एंड फ्यू स्टोमेटा. ठीक है, नाउ कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स हैव थ्री सब जोन्स, हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर्स एंड एंडोडर्मिस. मल्टीपल लेयर्स ऑफ द सेल्स वेयर अरेंज्ड. नाउ फर्स्ट इज हाइपोडर्मिस, आउटर जोन जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, फ्यू लेयर्स ऑफ कॉलेनकाइमा, कॉर्टिकल लेयर्स बिलो द हाइपोडर्मिस, है ना. दे कंसिस्ट ऑफ राउंडेड थिन वॉल पैरेन्काइमेटस सेल्स एंड एंडोडर्मिस इनर मोस्ट लेयर, विच इज कॉल्ड एज इनर मोस्ट लेयर. कॉलेनकाइमा, पैरेन्काइमा, एंडोडर्मिस, उसके बाद पेरिसाइकल. पेरिसाइकल इज प्रेजेंट. स्टीली के अंदर क्या है, पेरिसाइकल है, वस्कुलर बंडल्स है, जाइलम एंड फ्लोएम होंगे. ठीक है, मेडुलरी रेज है, मेटाजाइलम, कैम्बियम भी प्रेजेंट है इसमें. हम लोग पढ़े थे डाइकॉट स्टेम्स में कैम्बियम प्रेजेंट होगा इन बिटवीन द फ्लोएम एंड द जाइलम. ठीक है, और लास्ट में क्या प्रेजेंट है, पिथ प्रेजेंट है. सो दिस इज द मोनोकॉट, सॉरी डाइकॉट स्टेम, टीएस ऑफ डाइकॉट स्टेम. नाउ टीएस ऑफ मोनोकॉट स्टेम, सी द टीएस ऑफ मोनोकॉट स्टेम हाउ इट्स लुक लाइक. इट इज ऑफ एपिडर्मिस आउटर लेयर, हाइपोडर्मिस जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, वस्कुलर बंडल्स, जाइलम एंड फ्लोएम आर अरेंज्ड एंड ग्राउंड टिश्यू इज प्रेजेंट. वस्कुलर बंडल्स एंड जाइलम एंड फ्लोएम आर कंजॉइंट एंड क्लोज्ड. इसमें क्या होता है, कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता, बट इन डाइकॉट स्टेम्स कैम्बियम वेयर प्रेजेंट इन बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम. ठीक है, नाउ हियर इट इज द टीएस ऑफ डाइकॉट लीफ. अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टीएस ऑफ डाइकॉट लीफ. फर्स्ट वन एपिडर्मिस, द वर्टिकल सेक्शन ऑफ डाइकॉट लीफ थ्रू अ लेमिना शोज थ्री मेन पार्ट्स, एपिडर्मिस, मिजोफिल एंड वस्कुलर बंडल. थ्री मेन पार्ट्स हैं, कौन कौन से हैं, एपिडर्मिस, मेसोफिल एंड वस्कुलर बंडल. टी एस ऑफ अ डाइकॉट लीफ वी आर गोइंग टू डिस्कस. ठीक है, डाइकोटोनस डॉर्सी वेंट्रल लीफ, थ्री लैमिना के अगर हम लोग उसको टी एस सेक्शन निकालेंगे तो थ्री मेन पार्ट्स मिलेंगे हम लोग को, एपिडर्मिस, मेसोफिल एंड वस्कुलर बंडल. एपिडर्मिस आउटर लेयर, मेसोफिल द इनर लेयर एंड वस्कुलर बंडल जाइलम एंड फ्लोएम. अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम. ठीक है, सो एपिडर्मिस इट covers both the upper surface axial epidermis and the lower surface apical epidermis of the leaf. It has conspicuous cuticle. Abscal epidermis generally bears more stomata. In the adaxial epidermis, stomata are fewer or absent. Mesophylls, the tissue between the upper and the lower epidermis, middle portion, which is made up of parenchymatous cells. ठीक है, their cells were loosely packed. They contain the chloroplast which for photosynthesis process. In this area the chloroplast is present and these are of two types, pellidized cap parenchyma and spongy carum parenchyma. Spongy carum parenchyma kaise dikhta hai, pellidized cap meso parenchyma kaise dikhta hai, as you see in the picture. Theek hai, now vascular bundles, it include vascular bundle also. They can be seen in the veins and the मिडरिब. ये जो वस्कुलर बंडल्स हैं वो वेन्स और मिडरिब्स में दिखाई दे सकते हैं. द वेन्स वेरी इन थिकनेस इन द रेटिकुलेट वेनेशन ऑफ डाइकॉट लीव्स. वस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ अ थिक वॉल्ड बंडल स्निथ सेल. सो दिस इज द डाइक्लोटिडोनियस डॉर्सी वेंट्रल लीफ. ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस फ्रॉम दिस मोनोकॉट लीव आइसोबायलेट्रल, जिसको और आइसोबायलेट्रल बोलते हैं, मोनोकॉट लीफ से हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ठीक है,
यहाँ तक जो भी प्रॉब्लम होगा पूछना टॉपिक्स में से रिलेटेड, और प्लीज़ पढ़ना कंप्लीट होने के बाद। इसको जब तक नहीं पढ़ोगे, कि पूरा थियोरिटिकल पोर्शन है, जब तक इसको नहीं देखोगे, डायग्राम्स को अच्छे से क्लियर नहीं करोगे, यू पीपल वे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। यू प्लीज़ रीड द चैप्टर आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ वीडियो। ओके, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।